अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों आज हम लोग निकल रहे हैं साउथ पंजाब के ट्रिप पे, और इस ट्रिप के अंदर जो हमारी मेन डेस्टिनेशन है उसमें हम फोर्ट मनरो विज़िट करेंगे, शाह रुकन आलम और बहाउद्दीन ज़करिया का टॉम विज़िट करेंगे, उज शरीफ विज़िट करेंगे। उसके अलावा भावलपुर की जो जगहें हैं, दरावर फोर्ट हो गया, लाल सुवर्णा पार्क हो गया, और इसी तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो ये टोटल 5 दिन का हमारा ट्रिप है, और जो किलोमीटर हैं वो तकरीबन 2300 किलोमीटर का ये ट्रिप होगा अराउंड। और फर्स्ट टाइम हम लोग सारे इतने लंबे ट्रिप पे निकल रहे हैं बाइक्स के ऊपर। अच्छा, आज का जो हमारा ट्रैवल है वो यहाँ कराची से स्टार्ट हो रहा है। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और बस अभी हम यहाँ से निकलेंगे, और आज की जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है सादकाबाद। यहाँ से 650 किलोमीटर है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे वहाँ आपको रास्ते में सारी अपडेट देते हुए चलेंगे। अच्छा जी, अभी यहाँ पहुँच चुके हैं सदा बहार पे। पूरे 60 किलोमीटर्स कवर किए हैं और पूरा 1 घंटा लगा है। 8:20 पे पूरे कराची से निकले थे और इस वक्त 9:20 हो रहे हैं, और पूरे 1 घंटे के अंदर हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे अभी 15-20 का स्टॉप लिया चाय का, उसके बाद आगे निकलेंगे चाय वाय पी के, और अब अगला स्टॉप देखते हैं कहाँ लेते हैं। आगे का अभी पता नहीं है, आगे स्टॉप्स कहाँ पे, शायद सुपर मदीना पे लें। लूनीकोट पे एक सुपर मदीना होटल है, शायद वहाँ पे स्टॉप लें। तो अभी तक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रैवल जा रहा है, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है हाईवे पे ट्रैफिक, तो आगे देखते हैं क्या सिचुएशन मिलती है। अच्छा जी, अभी ये सेकेंड स्टॉप लिया है हमने सदा बहार के बाद, और तकरीबन 150 किलोमीटर का हमने जो है ये पैच मारा है। 150 से ऊपर ही 157 किलोमीटर है यहाँ से सदा बहार, और काफ़ी अच्छा खींच गए। गर्मी बहुत शदीद नहीं है, सही है, नॉर्मल है, लेकिन ट्रैफिक काफ़ी था रास्ते के अंदर, और आज फ्राइडे है तो इसलिए जो छोटा ट्रैफिक है वो इतना नहीं है। ज़्यादातर कंटेनर्स वगैरह हैं जो रोड पर नज़र आ रहे हैं, और रोड की हालत भी काफ़ी ख़राब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अच्छा खींच लिया। इस वक्त 12:15 हो रहे हैं और हम सदा बहार से निकले थे पूरे 10 बजे, तो 10, 11, 12 2.25 घंटे में हमने 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर का पैच किया। अब यहाँ बस पानी वानी पियेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे 20-25 मिनट, और फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। अब मोरो पे अगला स्टॉप होगा हमारा इंशाल्लाह, यहाँ से 100 किलोमीटर से मोरो, तो अब मोरो पे मिलते हैं आपसे। हाँ भाई, वंस अगेन तैमूर तायर भाई हमारे साथ चल रहे हैं इस ट्रिप पे। हाँ, टोटल 7 बाइक्स हैं जिसमें एक बाइक मेरी है, एक आपकी है। हाँ, 4 CB 150, 4 CB 150 हैं, 2 GS 150 हैं, और एक YBR 125 बेचारी फंसी हुई है बीच में, लेकिन इंशाल्लाह लीड वही कर रही है। हमने उसी को बोला कि तुम आगे चलो, जिस स्पीड पे चल सकते हो उसी स्पीड पे हम बाकी सारे चलेंगे। तो ये है, मौसम बेहतर है, मुनासिब है, इसमें राइडिंग का मज़ा। ये राइडिंग सही है, पीक टाइम है 12:15 का, और गर्मी इतनी नहीं है। मैं इसलिए 3 बजे के बाद मौसम अच्छा मिलेगा। मैं बोल हम जो ना वो 1 बजे कहीं जाके रुके, नहीं सही है, सही रुक गए, अभी यहाँ से निकलेंगे तो मोरो पे इंशाल्लाह। मोरो तो आप पहुँच जाओगे अगले 1.25 घंटे में, अगर आप अगले 10 मिनट में निकलते हो ना तो आप 1 बजे मोरो ही पहुँच जाओगे, मोरो पे गर्मी। सही, चल चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, आगे निकलते हैं। अच्छा जी, अभी मोरो पहुंच चुके हैं, इस वक्त 2:30 बज रहे हैं, और 110 किलोमीटर का जो हमने पैच किया है तकरीबन जो लास्ट स्टॉप था वहां से यहां तक हाला से, और अभी ये अलमीन पर रुके हैं, यहां पे लंच करेंगे, नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे दोपहर गौर की। वैसे तो जुम्मा है आज, लेकिन हम गौर पढ़ेंगे क्योंकि अब जुम्मे के लिए यहां पे कोई जामा मस्जिद है नहीं करीब में, तो यहां आप थोड़ा लंबा स्टॉप लेंगे 1 घंटे का तकरीबन, लंच करेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे क्योंकि सुबह से जो हम 8:30 बजे के निकले हैं तो अभी इस वक्त 2:30 बज रहे हैं, 6 घंटे हो गए हमें, और इस 6 घंटे में अभी हम यहाँ मोरो पे पहुँचे, और मेरे ख्याल से टोटल 350 किलोमीटर शायद हो चुका है। मज़ीद अभी 300 किलोमीटर का और हमें ट्रैवल करना है सादकाबाद तक,
तो अब थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस पे हम स्टे करेंगे क्योंकि अब हमारी एनर्जी काफ़ी लूज हो चुकी है और मजीद जो है वो इतने लंबे लंबे पैच नहीं मार सकेंगे। अब ट्रैफिक ये कि बेनज़ीर आबाद के बाद से काफ़ी कम था और रोड भी काफ़ी अच्छी है, तो शायद जुम्मे की वजह से ट्रैफिक कम है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली 80 की स्पीड मेंटेन करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बस अब यहाँ से लंच करेंगे और फिर आगे निकलेंगे। तो आगे अब जहाँ स्टॉप लेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि आगे हम कहाँ स्टॉप लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि अभी हमारे टैंक की रिजर्व लग चुकी है बाइक के ऊपर, तो पेट्रोल भी हम यहाँ से फुल कराएंगे मोरो से ही, और उसके बाद फिर पेट्रोल फुल करा के ट्रैवल कंटिन्यू करेंगे। और अब जो फुल कराएंगे टैंक, तो इंशाल्लाह सात का बाद तक ये ही टैंक चलेगा। तो चलते हैं आगे, इसको कंटिन्यू करते हैं सफ़र को अपना। अच्छा जी, अभी हम रुके हैं यहाँ पे हलानी से आगे तकरीबन मोरो के बाद 70 किलोमीटर का और हमने डिस्टेंस अभी कवर किया है, और यहाँ हलानी से थोड़ा आगे आके रुके। काफ़ी अच्छी सी जगह है ये, काफ़ी बड़ा शेल का पंप है और रेस्टोरेंट वगैरह हाजी उस्मान, और साफ़ सुथरी मस्जिद भी है पीछे, टक शॉप है, तो काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे हम लोग अभी असर की नमाज़ पढ़ी है और अब मगरिब का वेट कर रहे हैं, मगरिब पढ़ के फिर यहाँ से निकलेंगे। और ये दूसरा हमारा बड़ा स्टॉप है, इसके अलावा अभी तक हमारे 4 स्टॉप टोटल हो चुके हैं कराची से यहाँ तक। पहला हमने सदाबहार पे लिया था, दूसरा हालानी, दूसरा हमने हाला पे लिया था, तीसरा मोरो पे, और अब ये हालानी क्रॉस करके। तो ये इस तरीके से चल रहा है हमारा ट्रैवल, और बस अभी मगरिब यहाँ से पढ़ के फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अपने ट्रैवल को, और आगे जहाँ भी रुकेंगे उन सब स्पॉट्स की मैं आपको अपडेट्स देता जाऊंगा, क्योंकि इस व्लॉग के अंदर मैं सिर्फ जहां मैं रुक रहा हूं सिर्फ उसी की वीडियो बना रहा हूं। कल इंशाल्लाह जब जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसके अंदर जो डेस्टिनेशन होंगी उसको भी दिखाएंगे, मोटो व्लॉग भी बनाऊंगा, लेकिन इसमें ज़ाहिर है सिंध के एरिया में कुछ ऐसा दिखाने वाला है नहीं, ट्रक ही ट्रक हैं रोड के ऊपर और कोई ऐसी खूबसूरती नहीं है, तो इस वजह से कुछ रोड की नहीं बना रहा। बस इंशाल्लाह ये जितने भी स्टॉप्स हैं ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको इसमें हेल्प हो जाए कि हम लोग ने किस तरीके से स्टॉप लेके अपना ये ट्रैवल किया है। तो चलते हैं अभी यहाँ से मगरिब पढ़ के आगे निकलते हैं। अच्छा जी, अभी हम पहुँच चुके हैं रोड़ी, और इस वक्त बज रहे हैं रात के तकरीबन 8:10 हो रहे हैं, और लास्ट जो हमने स्टॉप लिया था वहाँ से यहाँ तक का तकरीबन 85 किलोमीटर्स हमने डिस्टेंस कवर किया है अभी, और रोड़ी बाईपास पे यहाँ रुके थोड़ी देर के लिए, थोड़ा रेस्ट करने के लिए। और अब ठंड स्टार्ट हो गई, सर्दी बढ़ गई है, तो अब जैकेट्स वगैरह अंदर इनर थर्मल वगैरह पहनना पड़ेगा हमें, तो ये भी है। और अब सफ़र की थकन भी स्टार्ट हो गई है, ऑलमोस्ट 500+ किलोमीटर्स हम कवर कर चुके हैं अब तक, मज़ीद यहाँ से तकरीबन 150-200 किलोमीटर और है आपका सादकाबाद, तो अभी एक दो स्टॉप और लेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर सादकाबाद पहुँच के जहाँ स्टे करेंगे फिर उसका मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ अच्छा हमारा स्टे है। एक होटल का हमें दोस्त ने सजेस्ट किया है सादकाबाद में, तो जाके देखते हैं उसको और फिर उसको आपको अपडेट देंगे। तो अभी तक ही यहाँ तक पहुँचे, ये अपडेट है, थकन स्टार्ट हो गई है सफ़र की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र अच्छा जा रहा है, तो चलते हैं मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अभी ढेरगी पहुँच चुके हैं हम लोग, इस वक्त तकरीबन 10:30 बज रहे हैं रात के, ठीक 10 बजे हम पहुँच गए थे ढेरगी, लेकिन यहाँ पे अभी हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी है और रात का खाना खा रहे हैं। जायका रेस्टोरेंट है यहाँ ढेरगी, भी बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पे, स्टैंडर्ड का रेस्टोरेंट है माशाल्लाह। तो बस हाईवे पे गुजरते हुए नज़र आया तो हमने कहीं स्टे कर लेते हैं, तो बस ये लास्ट हमारा स्टे है, और अब यहाँ से निकलेंगे तो इंशाल्लाह सीधा सादकाबाद पहुँचेंगे और रात में स्टे करेंगे। तो बस अभी यहाँ से लंच डिनर करके तो इंशाल्लाह बस निकल रहे हैं और सादकाबाद पहुँचेंगे। अभी हमने ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है, ये जो लास्ट पैच था रोड़ी से यहाँ ढेरगी तक का बहुत अच्छा रोड बना हुआ है, लेकिन ये एक रास्ते में ट्रॉलर्स का ट्रैफिक है, और इतना ट्रैफिक नहीं है लेकिन ट्रॉलर्स का काफ़ी ट्रैफिक है रास्ते में जो हमें मिला। होपफुली आगे भी ऐसे ही नॉर्मल ट्रैफिक होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो बस अभी इंशाल्लाह 12 बजे तक हम सादकाबाद होंगे, तो सादकाबाद पहुँच के आपको फिर बाकी की अपडेट देते हैं।
अच्छा जी, अभी 12:20 हो रहे हैं और हम सादकाबाद पहुंच चुके हैं। सादकाबाद में हमारे एक दोस्त ने जो होटल कराया हुआ था, तो ये पीछे होटल का रूम है जिसमें हम पूरे साथ के साथ लोग स्टे कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा रूम है, 6 बेड लगे हुए, एक मैट्रेस लगाया है और ये हमें 3,000 रुपये में मिला है। अच्छा रूम है, मुनासिब है। और तकरीबन सुबह 8:20 पर हमारी राइड स्टार्ट हुई थी कराची से, और तकरीबन पूरे 12:20 पर ये राइड कंप्लीट हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, कोई मसला नहीं हुआ पूरी राइड में। हमने 6 या 7 स्टे किए रास्ते के अंदर, जो कि आपने देखे ही हैं सारे। तो बस अभी ये इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। सुबह इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे यहाँ से फोर्ट मंडो के लिए, तो उसका मैं इंशाल्लाह प्रॉपर एक जो मोटो व्लॉग होता है वो बनाएंगे। इस व्लॉग में सिर्फ ये स्टॉप्स थे, क्योंकि कराची से लेके यहाँ तक कोई ऐसी लोकेशंस नहीं थी जो मैं आपको दिखाता, तो बोरिंग ही रास्ता था पूरा। और ये होटल का नाम सुल्तान होटल है, इसका डिटेल्स तो मुझे अभी इस वक्त नहीं पता ज़्यादा क्या कॉन्टैक्ट है क्या नहीं, लेकिन साथ का बात में यह है सुल्तान होटल थोड़ा सा शहर बाईपास पे है ये, तो अगर यहाँ स्टे करना चाहें तो कर सकते हैं, मुनासिब होटल है, बुरा नहीं है। तो ये थी अपडेट अब तक की, इसके साथ ही नहीं ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।